पुलवामा में हमला हुआ और हमारे 44 सैनिक अपनी शहादत देकर गए। हर हिंदुस्तानी का खून खोल उठा और कह दिया कि पाकिस्तान किया है वार पीछे से तूने, तो खुद को शेर समझता है और चूहे की प्रजाति होकर हम शेरों से मुंह लगता है। अरे गीदड़ की औलाद, अगर तुझ में दम है तो सामने से वार करके दिखा, पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। ये कहा कि सेना को आदेश थमा दो, अब घाटी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा अब उनकी खैर नहीं होगी। 12 दिनों के बाद हमारी सेना ने घर में घुस के ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जब ईंट का जवाब पत्थर से हमारी सेना ने दिया, हमारी सेना को मोदी जी ने आदेश थमाए तो किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों से बदला लिया और क्या लिखा इस रागनी के माध्यम से सुनते हैं। हे रे शहीदों की शहादत का बदला, तन मोदी तुरंत चुकाया, और अगर अगली लाइन अच्छी लगे तो सभी की तालियां चाहूंगी। क्या लिखा, हे रे 56 ते दिखे 56 ते 58 इंची सीना खोल दिखाया, 56 ते 58 इंची सीना खोल दिखाया। हे रे शहीदों की शहादत का बदला, मोदी तुरंत चुकाया, 56 ते 58 इंची सीना खोल दिखाया, 56 ते 58 इंची सीना खोल दिखाया। कहा जो सच्चे देशभक्त होते हैं वो एक बात कह जाते हैं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। कैसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी सेना ने, आइए क्या लिखा पहली लाइनों में। अरे दुश्मन के घर में घुस के तने, दुश्मन के घर में घुस के तने विकल युद्ध का बजा दिया, ईंट का जवाब दिया पत्थर से पाख को चखा मचा दिया, भारत माँ के आंसू पूछ के दाग तैयार चल बचा दिया, भारत माँ के आंगन में तने फिर से गमला सजा दिया, और भारत माँ के आंगन में तने फिर से गमला सजा दिया। मेरे विधवा माता बहनों के तने, जिस तरिया धोपी कपड़े धोवे, जिस तरिया धोपी कपड़े धोवे पाक को धोना चाहिए, जो टोहया मौका मोदी ने इस मौका टोहना चाहिए, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना देश को खोना चाहिए। और अगली लाइन अच्छी लगे
लगे कि सही कह रही हूँ, अगर आप मेरी अगली लाइन से सहमत हो तो सभी की तालियां चाहूंगी और जोरदार तालियां बजाना। हेरे भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री सदा मोदी होना चाहिए से। भारत का प्रधानमंत्री सदा मोदी होना चाहिए से। मत करना भूल भारतवासी, रे 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 रे। मत करना भूल भारतवासी, ना तो हो जाएगा पछताया। छप्पर दे अट्ठावन हो जाएगा नसीबा खोल दिखाया। कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा कि ए पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, ए पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा था और मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा था करारा ही रहेगा। और कान खोल के सुन ले पाकिस्तान, कश्मीर हमारा था हमारा ही रहेगा और हमारा ही रहेगा। और ऐसा किया भी हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने किया, धारा 370 35 ए को हटाया, उसका खात्मा किया और कश्मीर को अपना बनाने का काम किया। और हमारे मोदी जी का तो एक ही इरादा है, एक ही मकसद है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। भाई बच्चे तो है ही नहीं है, हर बाप सोचता है कि अपने बेटे के लिए वो करूं वो करूं वो करूं, लेकिन वो किसके लिए करेंगे, रंडवा आदमी है। और कह देते हैं कि भाई मेरा क्या करोगे, मैं तो झोली ठाके चल पड़ूंगा, फकीर आदमी हूँ। इसीलिए कहा हमारे मोदी जी ने कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। अरे मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तीसरी लाइनों में क्या लिखा कवि ने, क्या बताया। चालीस के बदले काफी मारे, चालीस के बदले काफी मारे, हमारी फौज बड़ी मर्दानी, जिनके बेटा भाई चले गए होगी दूर गिलानी। अब तक थारे मारे 400, सुन लो पाकिस्तानी, जे आगे सोची, जे आगे सोची कदम धरन की, कर दे खत्म कहानी। आगे सोची कदम धरन की, कर दे खत्म कहानी। मेरे जीव हलकते काटे थारी, मेरे जीव हलकते काटे थारी, जो फिर आतंक मचाया। छप्पन से अट्ठावन इंची सीना खोल दिखाया, छप्पन से अट्ठावन इंची सीना खोल दिखाया।
भारतवासी भारतवासी मोदी जी को हाथ जोड़ प्रणाम करे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा और धाम करे। धन्य धन्य ऐसे वीरों को जो देश का ऊंचा नाम करे। देविंदर वीरों की गाथा रोज सुबह और शाम करे। देविंदर वीरों की गाथा रोज सुबह और शाम करे। मेरे दीपा चौधरी अलीपुर में चौधरी अलीपुर में जावे ज्ञान सिखाया। छप्पन से अट्ठावन इंची पसीना खोल दिखाया। छप्पन से अट्ठावन इंची पसीना खोल दिखाया। मेरे शहीदों की